तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये क्या? पौधा है। अरे पौधे के पीछे पीली थैली क्या है? खरीद का है? नहीं माल नहीं भाई। नहीं माल नहीं भाई। तो कौन है माइट? माल कौन ही कौन आ चाहिए? एक मिनट बक्तो बक्तो बक्तो। एक मिनट ये नॉट पैक। नॉट नॉट आई प्लीज कॉपरेट। जल्दी। हाँ 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 हाँ। ये तो पोपटलाल की चप्पल है। पोपटलाल की चप्पल तुम्हारे बालकनी में क्या कर रही है? अरे वो तो आप बताएंगे ना पांडे जी। मतलब पोपटलाल ने चप्पल उतार कर थैली में रखी और यहाँ से कूद कर भाग गया होगा। नहीं 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 पांडे जी, मुश्किल है, बहुत ऊंचा है और वैसे भी इसको कूदना तो चप्पल क्यों निकालता? हाँ। ये बात भी सही है। नॉट डॉट नाइन, वेयर इज पोपटलाल? अंदर है, अंदर है पोपट। ओ पिडू, ओ पप्पू मिला? नहीं, उनकी चप्पल मिली। हैं? राउत, बैठो। हाँ हाँ। We got it. चलो देखते हैं। मतलब पोपटलाल यही कहीं है। Yes. सर, कांदा लहसुन का तेज खुशबू है। लगता है कांदा लहसुन की खुशबू से 009 कुछ जास्ती भौंक रहा है। ओ मैडम, ये लहसुन सूखने वाला डॉग नहीं है, एक गुनहगार की खुशबू सूंघ कर भौंकता है। नहीं नहीं पांडे जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये प्याज और लहसुन की स्मेल की वजह से ये आपका नॉट नॉट नाइट जो है पप्पू को स्मेल नहीं कर पा रहा हो। नो 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 सोरी साहब, ये ट्रेन डॉग है। सर आप इतने सारे प्याज लहसुन? हाँ, लहसुन अचार का बहुत बड़ा ऑर्डर है ना, इसलिए मैं चिल रही। अच्छा। ये नॉट नॉट नाइन तो यही भौंक रहा है। लगता है पोपटलाल इस खिड़की से कूदकर कहीं बाहर भाग गया होगा। ओ पांडे जी, मैं ये है ना कि हम भी खिड़की से कूदकर पप्पू को फॉलो करते। ओ सॉरी महाराज, जरा शांत रहिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। हमें सोचने दीजिए, सोचने दीजिए। हाँ हाँ पांडे जी, जल्दी सोचिए, मामा किसी भी वक्त आता ही होगा। मास्टर जी रिलैक्स हो जाइए, आपको तो पता ही है इस केस को हमने कितना सीरियसली लिया है। पहली बार हम गोकुलधाम से अपराधी को पकड़ कर ले जाएंगे। पोपट भौजी हमारे घर में कब और कैसे आए होंगे? अरे उसका सिर्फ नाम पोपट है, वो चूहे की तरह कहीं भी आ जा सकता है। कुछ ढूंढ रहा है, कुछ ढूंढना चाहता है। ये ऊपर क्या है? आटा और चावल रखने की जगह है। वहां एक आदमी छुपने की जगह है। हाँ है। पाटिल। यस सर। जैकेट। को सो सिलाओ। हाँ। मिल गया। भाई।
डोंट मूव. ये हा वरती कधी गेला? पोपटलाल. ए पाटील, तुम मुंह हो जाओ तो निशाना उस पर लगे. पोपटलाल, पोपटलाल बाहर आओ, मैं एक तक गिनूंगा. सिर्फ एक तक? तीन गिनने का टाइम नहीं है मास्टर. एक, एक, एक. अरे पांडे जी, आपने एक ही तीन बार बोला. एक तीन बार बोला? तेरे को पता ही नहीं चला? एक तक. Thank you, Not Not Nine. Now you can go. पोपट बाबू जी, अब यहाँ छुपे थे? ओए पप्पू, ये तू बहुत गलत किया. और रात से हम सब ने पूरी सोसाइटी को उलट पुलट कर दिया तुझे ढूंढने में, और तू यहाँ छिपा बैठा. शर्म आनी चाहिए तेन. पोपटलाल, देख भिड़े भाई, गुस्सा मत कर, शांति से बात कर. मुझे तुझसे घर्षण नहीं करना है. पोपटलाल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. आ, 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 आ. मास्टर जी, ये किचन भले तुम्हारा हो लेकिन कानून हमारा चलेगा. मुंह बैग, मुंह बैग. पोपट भाई, ये भी कोई छुपने की जगह है? और नहीं तो क्या, अगर आप गिर जाते, कहीं लग जाता तो? पोपट भाई, आप रात भर बिना खाए पे यहाँ पे ऐसे सिकुड़ के बैठे हुए थे? भिड़े से घर्षण जो नहीं करना था. पोपट अक्कल इतने ऊपर चढ़ कैसे गए? गोगी जब जान पे आती है ना, तो आदमी खुद की जान बचाने के लिए कोई भी स्टंट करने के लिए तैयार होता है. सॉरी भिड़े, मुझे ढूंढने के लिए पुलिस लेकर आ गया? हाँ, मैंने पुलिस को बुलाया. कल रात कोई तुम मेरे सामने आ जाते तो मुझे पुलिस को बुलाना नहीं पड़ता. भिड़े, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी. पुलिस को बुलाकर तूने बहुत गलत किया. सुना सुना माधी, मैंने गलत किया? अरे मैंने गलत किया, और मैंने मना करने के बावजूद भी तुम जो शिवगंगा गांव गए थे उसका क्या? वो तो घोर अपराध था. अरे मैं क्यों शांत हो जाऊं? उसको देखो ना, वो अपने किए पे जरा भी पछतावा नहीं है उसको. ऊपर से मेरी गलती निकाल रहा है. अभी तुझे मैं और मामा दोनों सजा देंगे. मैंने तुम्हें मना किया था ना कि विद्या से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना. तुम उसके गांव पहुंच गए बात करने के लिए, क्यों? पोपट भाऊजी, अब वहां गए, विद्या से शादी की बात की, उनके खानदानी परंपरा को तोड़ने का प्रयत्न किया, और इसकी वजह से मामा इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने इनसे रिश्ता तोड़ दिया. उसके लिए सॉरी भिड़े, सॉरी माधवी भाभी, सॉरी सोनू बेटा. ए ए, तुझा सॉरी न कोई माला. हाँ सॉरी न कोई बिल्कुल भी. तुम्हें मना करने के बावजूद भी तुम गए क्यों गांव? सर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे इनको जितना बोलना है बोलने दे. हमारी तो मास्टर जी के साथ डील हुई है ना, तुम्हें से को लेके जाने का है, ये नहीं तो ये. देख भिड़े, मुझे ज्योतिषी ने कहा है कि मुझे 9 बजे तक घर्षण से दूर रहना है. अभी 9 बजे नहीं है, इसलिए अभी मैं तुझसे वाद विवाद नहीं कर सकता. अरे मेरे मामा के साथ मेरा भविष्य खराब करके ज्योतिष की बात कर रहे तुझे? मास्टर जी, जितना बोलना है वहीं से बोलो. कानून हाथ में नहीं लोगे आप? हो घर्षण. भिड़े, तुम्हारा गुस्सा होना बनता है लेकिन अभी शांत हो जाओ. छोटी मोटी उलझने सबके जीवन में आती है, शांति से बात करो, हर मुश्किल का समाधान मिल जाता है. सही बात है. हाँ, सही कह रहे हैं मेहता साहब. ओए पप्पू, तू ये सब छोड़. ओ मेरे मन में कब से एक सवाल उछल रहा है, तू उसका समाधान दे. पूछ. तू पीड़ू के घर में कब और कैसे आया? हाँ,
बताता हूँ, वो भिड़े और बाकी सारे लोग जब मुझे ढूंढने के लिए क्लब हाउस में गए। पोपटलाल कहाँ छुपे, बाहर निकलो। लगता है सोनिया और रोशन भाभी घर पर नहीं है, अब कहाँ जाऊं? ये सबसे सेफ जगह है छिपने के लिए, भिड़े अपने घर में तो मुझे कभी नहीं ढूंढेगा। ये सबसे सेफ जगह है छिपने के लिए। भाग भाग के इतना थक गया हूँ कि भूख भी बहुत लगी है। अश, अब आराम से पूरी रात निकल जाएगी। तुमची पोपट भौजी, आपको ढूंढने में हम लोग रात भर परेशान रहे और आप हमारे घर में छुपे रहे। भिड़े, जब तुम पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने गए थे तब पोपटलाल तुम्हारे घर पे ही छुपा हुआ था। ओ इन शॉर्ट पिड़ू, ओ पोपू ने तुझे बेवकूफ बना दिया। इसे कहते हैं बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। नहीं बनता मैं बेवकूफ सोड़ी, अगर मुझे मेहता साहब आईएएस ने बता दिया होता कि पोपटलाल उनके घर में छुपा हुआ है, मुझे फालतू में पुलिस को बुलाना नहीं पड़ता ना। फालतू में? सॉरी सॉरी, मतलब आपको खमका तकलीफ हुई ना पांडे जी, ये गलत किया आप लोगों ने। कल से जो हो रहा है वो गलत ही हो रहा है। जो हुआ सो हुआ, पर एक बात अच्छी है कि आप रात भर भूखे नहीं रहे, आपने कुछ खाया। हाँ, वो छुपने की जगह ढूंढते ढूंढते मैं बहुत थक गया था, बहुत भूख लगी थी इसलिए खाना पड़ा। थैंक यू भाभी भाभी, किचन में रोटी और सब्जी मिल गई मुझे, सब्जी बहुत अच्छी थी। थैंक यू। थैंक यू क्या थैंक यू, आपला छोन वर्ती बसला तो। अरे ये मास्टर जी, तुम लोगों का ये आपसी मेल जोल खत्म हो गया हो तो मैं पुलिस के नाते एक सवाल पूछूं। मास्टर जी, तुमने जानबूझकर अपने घर का दरवाजा खोल के रखा था ताकि ये पोपटलाल खुद आके घर में छुपे। अरे नहीं नहीं पांडे जी, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने नहीं दरवाजा खुला रखा था। माधवी, नहीं नहीं, मैं तो आपके पीछे आई थी ना, तो मुझे नहीं पता। बाबा, वो कल जब मैं जल्दी जल्दी में हमारे घर ताला लेने आई थी तब मुझसे दरवाजा खुला रह गया होगा, सो सॉरी। थैंक यू सोनू। ए थैंक यू क्या थैंक यू पोपटलाल। सोनू बाड़ा, तुम सॉरी मत बोलो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। अगर अपने घर का दरवाजा बंद भी होता ना तो ये निर्लज्ज कहीं और जाके छुपता। पोपटलाल, अब तुम उससे बचने वाले नहीं हो। बचूंगा तो मुझे कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे पांडे जी बचाएंगे। You're right, पोपटलाल। मास्टर जी से मैं तुम्हें बचाऊंगा। थैंक यू पांडे जी। लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? नीचे उतरो और चलो पुलिस स्टेशन। देखिए पांडे जी, ये कानून का आरोप मुझ पर मत चलाइए, मैं पत्रकार हूं। ये पत्रकार होने के नाते एक ईमानदार पुलिस वाले को धमकी दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पत्रकार होने के नाते थोड़ा बहुत कानून मैं भी समझता हूं। मानता हूं कि भिड़े ने मुझे मना किया था, फिर भी मैं शिवगंगा गया विद्या से मिलने के लिए, लेकिन सिर्फ इस बात के लिए आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। ओ पत्रकार, शिव गंगा जाने के लिए हम तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आए हैं। मास्टर जी ने तुम पर बहुत ही संगीन आरोप लगाया है। महिलाओं के सामने मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कहूंगा, तुम शिव गंगा गए मास्टर जी के मेरी बहन को डायरेक्ट
शादी का प्रपोजल दिया। तुमने एक कुंवारी कन्या को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, एक कुंवारी कन्या की मान मर्यादा को भंग किया है, ये आरोप है तुम पर। मास्टर जी यही कंप्लेंट था ना? हाँ हाँ। बाप रे, भिड़े, तूने मुझ पर ऐसा केस किया? अरे ऐसा बेतु का केस करने से पहले एक बार भी अपने दिल से नहीं पूछा कि तू क्या पाप करने जा रहा है। अरे मेरा बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं था कि मैं एक लड़की की मान मर्यादा को भंग करूं, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करूं। माधवी भाभी, भिड़े तो ना समझ है, जिंदी है, सबसे लड़ने के सिर्फ बहाने ढूंढता रहता है। लेकिन आपको तो इसे समझाना चाहिए था कि ये जो कर रहा है वो गलत है। पोपट भाऊजी, इन्होंने कंप्लेन की उसके बाद मुझे बताया। अरे अब तो पता चल गया ना, अब तो समझाइए इसे। सॉरी पोपट भाऊजी, अभी बात हाथ से निकल गई है। अरे मेहता साहब छोड़िए, आप लोग समझाइए इस भिड़े को। अरे हम तुम्हारा साथ भी दे चुके हैं और भिड़े को भी समझा चुके हैं। अरे भिड़े ना समझ, तू समझ क्यों नहीं रहा है? मैं शिव गंगा गांव विद्या जी को परेशान करने नहीं गया था। तुम्हारे मामा और विद्या जी गलत सोच में जी रहे हैं, सिर्फ उन्हें समझाने गया था। अरे तू होता कौन है मेरी मामा की सोच को गलत और सही ठहराने वाला? पोपड़लाल तुमको क्या जरूरत है बिना मांगे किसी को एडवाइस देने की? जरूरत है, अगर उनकी सोच बदलती है तो विद्या जी अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकती है। अरे मेहता साहब समझाइए भिड़े को, मैं गलत नहीं हूँ। अरे क्या समझाऊं पोपटलाल, तुम्हारे विचार भले ही अच्छे हों लेकिन तुमने गलती की है। एक ही घर में रहने वाले लोगों के भी विचार अलग अलग होते, तो किसी दूसरे इंसान को कुछ भी कहने से पहले उसके विचार जान लेने चाहिए। वो काय पोपट भौजी, सही बात है पोपटलाल, हम सेम बीमारी में सेम दवाई हर पेशेंट को नहीं देते। सामने कैसा पेशेंट है, उसकी हालत कैसी है, वो परख कर फिर हम दवाई देते हैं। अरे आप लोग मुझे समझ ही नहीं रहे। और भिड़े, चल माना कि तेरी नजर में मैं गलत, लेकिन तू तो सुबह तक रुक नहीं सकता था, सीधा पुलिस को बुला लिया। अरे तो मैं क्या करता पोपटलाल, मामा का मुझे मैसेज आया था आधी रात को कि 9 बजे पोपटलाल को मेरे सामने हाजिर रखना, तुम आ ही नहीं रहे थे, इसलिए मैंने बुला लिया पुलिस को। देख पोपू देख, और तेरे बिना सोचे समझे एक एक्शन का क्या रिएक्शन आया है। थोड़ी एक बात बता, अगर तुझे पता चले कि गांव में एक लड़की है जिसकी अभी शादी होनी बाकी है, तो तू उसे समझाने के लिए गांव में जाएगा या नहीं जाएगा? ओए पप्पू, मैं क्यों जाऊं? मैं तो शादीशुदा हूं और मैं तो अपनी रोशन डार्लिंग से बहुत प्यार करता हूं। हां पप्पट भाई, सिर्फ सोचने को कह रहा हूं, जाता कि नहीं जाता? जाता। वाह 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 वाह, मान गया। वैसे मैं इतनी सीरियल्स देखता नहीं, लेकिन जब भी देखता हूं ऐसे ही कुछ ड्रामा चलते रहता है। ड्रामा करते यार तुम लोग। तुम लोगों की सोसाइटी का नाम गोकुल धाम नहीं होना चाहिए, मेलो ड्रामा धाम होना चाहिए। पोपटलाल नीचे आ जाओ। डरो मत, मैं हूं ना। तुम आते हो नीचे या हम ऊपर आए? पाटिल सर। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं। पाटिल प्लीज हेल्प हिम। ये 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 बोला ना। हाँ। पुलिस है इधर। हाँ आराम से पकड़ा, आराम चल गए। ठीक है पाटिल, इन्हें पुलिस स्टेशन ले चलो। एक मिनट एक मिनट, याद रखना भिड़े, अगर मेरा एक भी कदम पुलिस स्टेशन में पड़ा तो फिर ये कदम कभी गोकुलधाम सोसाइटी में वापस नहीं लौटेंगे। अरे बात बात बंद करो ये ड्रामा, कुछ तो सोचो मेरे बारे में।
पूरी नाइट ड्यूटी मैंने एक्सटेंड करके यहाँ आया हूँ ये मास्टर जी के रिक्वेस्ट पर। सवेरे अपने घर नहीं पहुँचा हूँ। बासुंदी सोच रही होगी कि पांडे जी गए कहाँ। कुत्ते दया करो यार एक ईमानदार पुलिस वाले पर। ये क्या है तक नहीं पूछा सोसाइटी में किसी ने। चलो बडिल यहाँ घुटन हो रही है। चलिए नीचे चलिए चलिए कम ऑन क्विक। आप लोग सोच रहे हैं ना कि मैं से गोल गोल क्यों घूम रहा हूँ। गोकुल धाम में जो कुछ हुआ है वो देखकर तो किसी भी चक्कर आ जाएगा। अरे पोपटलाल भिड़े के घर पे मिला है, पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया है। अब तो पोपटलाल का जेल जाना तय है। और गोकुल धाम में ऐसे पहली बार हुआ है कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को पकड़वाया है। क्या गोकुल धाम वासी पोपटलाल को गिरफ्तार होने देंगे? क्या पोपटलाल सचमुच जेल जाएगा? मामा जब आएंगे तो क्या तांडव होगा? पोपटलाल के बारे में सोच के मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मुझे तो लगता है कि गोकुल धाम में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि चालू पांडे जी पोपटलाल को छोड़ने के मूड में नहीं है। जब से पोपटलाल शिवगंगा से वापस आया है तब से गोकुल धाम में सिर्फ पटाखे और पटाखे ही फूट रहे हैं। लेकिन जितने पटाखे यहाँ फूटेंगे आपके घर पे उतने ही हंसी और ठाके छूटेंगे। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.